उनकी पहली फिल्म थी, आनंद मिलन नए थे, जूही, उदित जी, अलका जी, सब हम लोग अपना करियर शुरू कर रहे थे. यू नो द एडिटर, द साउंड रिकॉर्डिस्ट, ऑल ऑफ अस वर एक्चुअली ऑल न्यू डूइंग आवर फर्स्ट फिल्म और एट बेस्ट सेकंड फिल्म. सो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी. उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे. और जब भी मंसूर और मैं फिल्म देखते तो हमको उसमें हमेशा उसकी खामियां नजर आती थी, तो हम लोग उसी में डिस्कशन में लग रहते थे, यार वो सीन ऐसा होना चाहिए था, इसमें थोड़ा ये रह गया, हम लोग उसी में रहते थे. फिर वो एक दिन फिल्म रिलीज हो गई और हमारे हाथ से निकल गई. और फिर इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी टू सी द काइंड ऑफ लव इट गॉट. यू नो उस वक्त आई लाइक टू बिलीव दैट कयामत से कयामत तक वॉज अ माइलस्टोन इन इंडियन सिनेमा. इट चेंज्ड द होल सेंसिबिलिटी ऑफ इंडियन सिनेमा. From then onwards, from 88, you can see the shift happening. And I think Mansoor was the first director to bring that about. So it's a very special film for me in every way, in every way. Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen, I believe. Thank you so much. Hi, there's one question for Amir Khan, Samita from Zoom channel. Hi. So Amir, I have to ask, like, this song has become so famous and popular again, you know, by re-releasing. Any other song which you want to focus on to re-release again from any of your movies? Oh, no. Actually, I had never thought that this song would ever get re-released. It just so happened that, you know, Tushar made this film. And it so happened that I think this song must have been creatively something that was naturally coming a part of your story. फिर एक दिन भूषण मुझसे मिले और भूषण ने कहा कि सर हमने ये गाना आपका यूज़ किया है और ये फिल्म बनाई है, इज इट ओके? आई सेड हाँ हाँ ऑफ कोर्स इट्स ओके. और क्योंकि आई थिंक दैट यू नो आई थिंक श्रीकांत की कहानी हमको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताती है कि जैसे राज कह रहे थे कि व्हेन ही मेट श्रीकांत ही फेल्ट के यार वाह व्हाट अ गाय. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सबकी जिंदगी में जो डाइस है लाइफ का, वो कुछ ना कुछ थ्रो कभी ना कभी रॉन्ग जाता है. आपके लाइफ की शुरुआत में रॉन्ग जा सकता है, यू कैन बी बॉर्न विथ यू नो सम चैलेंज, और इन योर लाइफ एज यू आर गोइंग अलोंग समटाइम्स लाइफ विल थ्रो अ चैलेंज एट यू. बट उस चैलेंज के साथ हम जीते कैसे हैं, हम उस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, श्रीकांत के पेरेंट्स ने कैसे उसको सपोर्ट किया, श्रीकांत ने कैसे अपनी जिंदगी जी, दैट टेल्स अस that in all our lives at different times there are challenges and how we respond to them. This film teaches us that you have to be strong, and if you are strong and you believe in yourself, then you can achieve anything. And this is what I'm looking forward to in this film. This is what I'm looking forward to. Yeah, thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen, for being so amazing. Yes, we'll definitely have a picture here, but before that, of course, the song's been beautiful. Yeah. 36 ईयर्स पहले गाया था और आज भी याद ताज़ा हो गई है. और जो थॉट्स हैं ना, इट्स ए यूनिवर्सल थॉट्स. देर इज़ ए रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन. तो हर फादर चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नाम करे, वो हर फादर चाहता है. और इस गाने में है तो मुझे लगता है कि ये फिर से 36 साल के बाद रिलीज हो रही है और राजकुमार साहब की फिल्म में है, तो ये कमाल ही होने वाला है. और आपने जो क्वेश्चन किया है ये भी कमाल है कि 22 साल के बाद गदर में गया था और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया. और मैं और आपको बताऊं, जान के बहुत खुशी होगी कि आदित्य देव जी ने मुझे परसों रात को बुलाया, बोला यू हैव टू सिंग, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. मैं बोला कि तो सोलो सॉन्ग कौन क्यों नहीं गवाए आप मुझसे, आज का सिंगिंग होता. तो बोले फिर गाओ. तो 6-8 में इन्होंने फिर से मुझे मुखड़ा और अंतरा गवाया है. वाह, आदित्य देव जी, वन टेक में गया. वाओ, यू हैव टू से समथिंग. उदित जी तारेंगे, ये बात कंफर्म हो जाएगी, वन टेक में गया. एंड आमिर खान सर, व्हेन श्रीकांत, योर वर्डिक्ट. लेट हिम कंप्लीट. हां सर, को मैंने फोन किया, सर गाना है, ओरिजिनल वर्जन तो है फिल्म में, बट इसका एक 6-8 वर्जन भी है जो आपको डब करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम इंस्ट्रैक्ट करके नहीं कर सकते. सर ने बोला बिल्कुल कर लेते हैं. और आए, इन्होंने रिदम सुना, इनको बोला बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल लग रहा है, कोशिश करता हूँ मैं. वो उनकी पहली कोशिश थी और वो फाइनल टेक था. वन टेक लगाया.
आपको बता दूं, अगर ये गाना इस फिल्म में है तो ये भी सुपरहिट फिल्म है, और आपका उदित नारायण भी कयामत से कयामत तक चलता रहे। वो आपकी डेब्यू फिल्म की क्यामत से क्यामत तक, और इस बार इस फिल्म के बारे में आपको क्या कहना है? सॉरी, क्यामत से क्यामत तक से आपकी शुरुआत हुई थी जी, और इस फिल्म के बारे में आपको क्या कहना है श्रीकांत? मुझे तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी, और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है वो वाकई में हम लोग के दिलों को छूने वाली है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग अ फिल्म व्हिच इज ऑलरेडी क्रिएटिंग सच इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ अस। To move somebody, it's not a joke. Tushar, इतनी बढ़िया फिल्म, और आज ये गाना पापा कहते हैं। आई थिंक जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब 80s में तो होंगे, यंग थोड़े से, और ये गाना, इस गाने ने सबको इंस्पायर किया। मेरे डैड खुद इंजीनियर थे, तो ये गाना मैंने बहुत गाया है क्योंकि मुझे बनना था, अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं किया इंजीनियरिंग, बट आज यहाँ खड़ा हूँ और खुद आमिर सर के साथ स्टेज पे हूँ, तो पापा मैंने नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच निधि मैम, कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस। ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ रिस्पांस द ट्रेलर हैज गॉट, उसके बाद एक एक यूनिट, यू नो वी यूजुअली से ब्लॉकबस्टर होगी, बॉक्स ऑफिस पे ये करेगी, लेकिन यहाँ पे बॉक्स ऑफिस के पहले ही लोगों के दिलों तक चली गई है। वो जो एक बड़ा पर्सनल सा रिस्पांस मिल रहा है उसके ऊपर व्हाट डू यू हैव टू से? इट्स एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग बिकॉज वी मेड दिस फिल्म, ऑल ऑफ अस, एवरीबॉडी हियर, वी मेड ऑल द 80s फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू तुषार, एवरीबॉडी इज पुट इन अ लॉट ऑफ लव एंड एनर्जी एंड ऑनेस्टी इनटू दिस फिल्म, एंड आवर एफर्ट इज जस्ट टू ब्रिंग श्रीकांत स्टोरी इन द मोस्ट ऑनेस्ट फॉर्म, एंड ही इज अ वेरी पीपल्स मैन, and he will relate to, everybody will get inspired by his story, and that's all we want. I mean, the reaction is overwhelming. I'm so grateful to God and I'm so thankful that it's connecting with people, but usse responsibility kitni increase ho jati hai ki ab film bhi utni logon ko pasand aa jaye to fir sone ko suhaga ho jayega, and hopefully they will, because like I said, a lot of love has gone into it. I'm sure ho jayega sone pe suhaga 10 tarikh ko jab sab log ise dekhne jayenge, is team ke liye ek bar zordar taaliyan ho jaye। मैंने पहले भी कहा था तुषार सर की अगर, थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस एवरीथिंग। राज भाई, जस्ट वन मोर क्वेश्चन, एक और नेशनल अवार्ड आ रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है, आपके मुंह में घी चक्कर अगर आ जाए तो अच्छा ही है, एक पार्टी देंगे फिर सबके लिए, पार्टी बनती है तुषार सर। एक्चुअली एक प्रॉब्लम था आज का, खाली हमारे पापा नहीं आज, भूषण जी जो नहीं है, बट वी रियली मिस हिम, हमारे पापा आज नहीं है, बट ठीक है, वी रियली लव हिम, थैंक यू भूषण जी जिन्होंने हमें ये गाना भी दिया, टू निधि एंड मी, थैंक यू सर। आमिर सर, भूषण सर की बात हो रही है, तब गुलशन कुमार साहब के साथ ऑफ कोर्स क्यूएस क्यूटी में ये गाना आया था, अब भूषण सर के साथ एक बार वापस से ये आ रहा है, इस जर्नी के लिए क्या कहेंगे सर? वेल, आई थिंक भूषण ने वाकई पापा का नाम रोशन किया है। ही हिमसेल्फ एज अ यंग बॉय टुक ओवर द बिजनेस एट अ वेरी यंग एज, एंड गुलशन जी सैडली हैड पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज, तो as a son he has really taken the business forward, the music industry forward, and you know he's grown it in such a lot and given so many opportunities to so many young musicians, and that's really amazing. So I think we should clap for Bhushan as well, though he's not here today. Alaya, this one's for you. You know, playing that character and that wonderful chemistry with the gentleman here, real life pe kisi ki based hai, kya bolenge? I remember जब मैं तुषार सर से मिली थी एंड आई हर्ड द स्टोरी, आई रिमेंबर टेलिंग तुषार सर कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा जो रोल है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी, एंड इट वॉज जस्ट सच एन इनक्रेडिबल स्टोरी, एंड आई एम सो प्राउड टू बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म दैट्स ब्रिंगिंग श्रीकांत्स इंस्पायरिंग इनक्रेडिबल स्टोरी टू लाइफ, एंड या आई मेट स्वाति, मैं उनसे मिली हूँ एंड हमने बहुत बातचीत की, एंड इट वॉज रियली लवली। माई कैरेक्टर इज नॉट इंटायरली बेस्ड ऑफ ऑफ हर, बट ऑफकोर्स आई एम प्लेइंग स्वाति। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर। एक और चीज, हमारे जो फिर मेरा बुरिया बिस्तर भी रेडी था घर जाने के लिए, गाँव जाने के लिए, सच। और मुझे देखे तो खास उनको ये डर हुआ कि अच्छा ये हीरो है, तो मेरा बुरिया बिस्तर तो कंफर्म है वापस जाने का। लेकिन
थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर ब्लेसिंग्स के कयामत ही ढा गया। और अभी इस फिल्म में भी ये गाना आया हुआ है और आमिर साहब आज यहाँ आए लॉन्च कर रहे हैं, तो ये फिल्म भी सुपरहिट ही है। एक बार जोरदार तालियां अमृत सर के लिए प्लीज। अमृत सर, मैं एक टीम श्रीकांत से बात करूंगा, बट बिफोर दैट यू नो नॉस्टैल्जिया इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, गोइंग बैक उस पुराने दौर में, और आज भी ये इतना फ्रेश है। आई एम श्योर आपको देख के बहुत सारे लोग कहते होंगे आपको देख के बड़े हुए हैं, लेकिन लोग बड़े होते जा रहे हैं सर, आप वहीं के वहीं हैं, गाना आपके जितना ही फ्रेश है, क्या बोलना चाहेंगे सर? एक्चुअली आई एम सो हैप्पी आई एम हियर टुडे, दिस वंडरफुल टीम ऑफ म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हमारे लिए और हमारी यादें ताज़ा हो गई। मुझे नासिर साहब याद आ रहे हैं, मुझे मंसूर याद आ रहे हैं और आनंद मिलन याद आ रहे हैं, एंड यू नो दिस सॉन्ग इज बीन मजरू साहब मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने ये गाना लिखा है। सो इट्स अ वंडरफुल इवनिंग एंड मुझे इतना मज़ा आया दोनों गाना सुन के। पापा कहते हैं और मेरे हम सब इतने खूबसूरत गाने हैं जिस जो ये टीम ने बनाया था, एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग इट फॉर अस, इट वाज रियली अ यू नो वॉक डाउन मेमोरी लेन फॉर मी एंड फॉर रिदित एंड आई गेस ऑल ऑफ अस इन वन वे और द अदर, इट इज अ वॉक डाउन मेमोरी लेन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड 35-36 साल हो गए लेकिन वो गाना आज भी उतना ही हमको छूता है एंड इट इवोक्स सच वंडरफुल इमोशंस इन अस। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।